hello children welcome to hindi class it's rhyme time now let's learn new rhymes on vegetables vegetables means sabziya vegetables means sabziya there are many vegetables like potato onion carrot brinjal cauliflower beans drumstick all these are vegetables and we should eat vegetables regularly they contain vitamins and minerals. They are very, very healthy for our body. So, let's learn new rhymes on vegetables. First rhyme is Sabzi. Sabzi means vegetables. Bacho khao kachi gajar nimbu kheera or tamatar. लाल लाल तुम बन जाओगे सुंदर बच्चे कहलाओगे आई रिपीट बच्चों खाओ कच्ची गाजर नींबू खीरा और टमाटर लाल लाल तुम बन जाओगे सुंदर बच्चे कहलाओगे नेक्स्ट राइम इज आलू गोभी आलू मीन्स पोटैटो एंड गोभी मीन्स कैबेज सो लेट स्टार्ट आलू गोभी भेंडी बैंगन भरी हुई है स्टेशन वैगन बच्चों इसे दिखाओ झंडी और पहुंचा दो सब्जी मंडी आई रिपीट आलू गोभी भेंडी बैंगन भरी हुई है स्टेशन वैगन बच्चों इसे दिखा दो झंडी और पहुंचा दो सब्जी मंडी नेक्स्ट राइम इज बैंगन राजा बैंगन मीन्स ब्रिंजल सो लेट स्टार्ट बैंगन राजा बैंगन राजा देखो कितना ताजा ताजा सब्जी तेरी बनाएंगे खाकर गोलमोल हो जाएंगे लेट्स रिपीट बैंगन राजा बैंगन राजा देखो कितना ताजा ताजा सब्जी तेरी बनाएंगे खाकर गोलमोल हो जाएंगे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स कच्ची मीन्स रॉ गाजर मीन्स कैरेट नींबू मीन्स लेमन खीरा मीन्स क्यूकंबर टमाटर मींस टमैटो लाल मीन्स रेड सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल आलू मीन्स पोटैटो गोभी मीन्स कैबेज भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर बैंगन Means brinjal. wagon means maldiba or you can say gadi. jhandi means flag. Sabzi Mandi means vegetable market. Taza means fresh. Golmol means healthy. Now let's answer these questions. इन तीनों कविताओं में कौन कौन से सब्जियों के नाम आए हैं आई रिपीट इन तीनों कविताओं में कौन कौन से सब्जियों के नाम आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैगन कौन से सब्जियों से भरी है आई रिपीट वैगन कौन से सब्जियों से भरी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जियों से भरी वैगन कहा जा रही है आई रिपीट सब्जियों से भरी वैगन कहा जा रही है लास्ट क्वेश्चन इज सब्जी खाकर बच्चे कैसे बनेंगे आई रिपीट सब्जी खाकर बच्चे कैसे बनेंगे सो चिल्ड्रेन आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली आन योर रिवार्ड्स एंड एंजॉय योर राइम टाइम Bye, see you in the next class.